नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में कहर बरपा रहा है चक्रवाती तूफान अम्फान। हालांकि काफी नुकसान नहीं हो पाया है और ओडिशा में अम्फान तूफान की वजह से खतरनाक तेज हवाएं जरूर चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि पारादीप में 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है चंदबली में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और भुवनेश्वर में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा बालासोर में 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पुरी में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं चल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग की अगर माने तो चक्रवाती तूफान अम्फान आज सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ बंगाल की और उत्तर पश्चिम खाड़ी की एक ओर, जो कि एक बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में केंद्रित है। हालांकि ये पारादीप से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए और इसी के मद्देनज़र उड़ीसा में अब तक 1704 आश्रय शिविर लगाए गए हैं और 1,19,075 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। वहीं उड़ीसा में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तेज़ हवाएँ इस समय चल रही हैं। इम्फान चक्रवात के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और NDRF की जो टीमें हैं वो 19 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। वहीं दक्षिण की ओर 24 परगना में 6 टीमें तैनात की गई है और पूर्वी मिदनापुर जो है वहां पर कोलकाता में भी और 4 टीमें तैनात की गई है। वहीं उत्तर 24 में 3 टीमें गठित की गई हैं। हुगली और हावड़ा में 1 टीम तैनात है। वहीं बताया जा रहा है कि जो उड़ीसा के भद्रक में जो है अम्फान तूफान की वजह से काफ़ी तबाही मच चुकी है। ये तूफान तेज़ गति से भद्रक की तरफ आ चुका है और सड़क पर चारों तरफ पेड़ गिरे हुए दिखाई देंगे। हर ओर रास्ते जो हैं वो जाम हो गए हैं। वहाँ से कुछ तस्वीरें आई हैं जहाँ पर पूरी तरह से दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि फायर सर्विस की जो टीमें हैं वो बंद सड़कों को खोलने में लगी हैं ताकि जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो रुकी न रहें और आवाजाही सुनिश्चित हो सके, क्योंकि यहाँ तक राहत सामग्री को पहुँचाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। की चलस कोई आगुन का हाँ তো ভালো কি করে আসছে ছবি